हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। और दोस्तों, इस समय सैलरी है वो आपकी होने वाली है 60,000 रुपये से भी ज़्यादा, और इसके फॉर्म हैं जो कि बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। दोस्तों, इसमें GNM BSc दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस की कोई भी कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो है परमानेंट स्टाफ नर्स वैकेंसी भोपाल गवर्नमेंट की तरफ से, और भोपाल गवर्नमेंट की तरफ से जो कि होने वाली है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB के थ्रू आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 1248 इसकी टोटल वैकेंसी है, और इसमें जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो है आपकी 604 आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, और बची हुई आपकी वैकेंसी वो रिमेनिंग है आपकी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, और इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, और इसकी सैलरी क्या रहेगी, और साथ ही साथ में इसको ऑनलाइन करते वक्त में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू झरूखा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग वाईफाई में। दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम में, और वहाँ पर आपको सर्च करना है PEB.MP.GOV.IN। इस वेबसाइट पर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर लैंग्वेज मिलेगी। आपको लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, और आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही लेटेस्ट अपडेट में आपको यह वैकेंसी मिलेगी। तो इस वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको स्पेशली इस जगह पर क्लिक करना होगा रूल बुक के। रूल बुक है जो कि नोटिफिकेशन की बुक है। इसमें जो नोटिफिकेशन है उसकी कंप्लीट डिटेल है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी रूल बुक डाउनलोड होगी। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको मिलेगी, ये स्टाफ नर्स। और इसकी जो डेट है जो फॉर्म के स्टार्ट होने की वो है आपकी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर आपकी स्टार्ट डेट है, और एंड डेट है आपकी 28 अक्टूबर। और साथ ही इसकी जो आप करेक्शन की जो डेट है वो है 14 अक्टूबर से सेम डे में ही आपकी स्टार्ट होगी, और आपका करेक्शन जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 2 नवंबर तक। और आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो है आपकी 25 नवंबर। 25 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। और इसका फ़ीस के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसकी जो फ़ीस है वो है आपकी 500 रुपये पर फॉर्म, और ये तो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरी जो कि आपकी SC ST OBC जनरल OBC है, उनके लिए आपकी 250 रुपये पर पेपर। मतलब आप एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक वैकेंसी का 250 रुपीज़ है, और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे तो आपको उसी के हिसाब से इसकी फ़ीस लगेगी। इसका जो पेपर है वो भी 25 नवंबर को 2 पालियों में होगा, और सुबह की है 7 से 8, और दोपहर की आपकी 1 से 2। जो हमारी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो है समूह 5 के अंदर है। इसमें आपका स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसमें आपका ये समूह 5, समूह 5 में आपका जो ग्रेड है आपका वो होगा तृतीय ग्रेड श्रेणी। और इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर होगा आपका 100 क्वेश्चन का, और 100 क्वेश्चन में आपका जो 2 पार्ट में होगा, पहला पार्ट होगा आपका 25 नंबर का और दूसरा पार्ट होगा आपका 75 नंबर का। और जो पहले पार्ट में आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हैं आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और अभिरुचि। ये जो आपके 25 नंबर हैं, और 25 नंबर हैं आपके वो नर्सिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो इस तरह डिवाइड हैं आपकी, आप देख रहे हैं। जो थर्ड नंबर पे है वो मेल नर्स की है, और सेकंड नंबर पे है वो भी पुरुष स्टाफ नर्स, और साथ में ही आपका जो 9 नंबर पे स्टाफ नर्स। ये तीन वैकेंसी हैं आपकी। हम देखते हैं पुरुष नर्स में इसकी हैं 445, और मेल नर्स की हैं वो हैं आपकी 36, और स्टाफ नर्स की हैं 123। ये सब परमानेंट वैकेंसी हैं। और इसका जो आपको एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो इस तरह से है। देखिए दूसरे नंबर की जो अभी हमने देखा था,
इसमें है संचालन स्वास्थ्य सेवाएं, पांचवी मंजिल सतपुड़ा भवन भोपाल के अंतर्गत है ये मेल नर्स की। इसमें जो वैकेंसी है 86, EWS के लिए 32, SC के लिए 51 और 64, और इसका जो पेमेंट है वो है आपका 5200 से लेके 20200, और जो ग्रेड पे है आपका वो सेवन्थ लेवल का है। और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपकी मान्यता प्राप्त 12वीं 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी है और 50% के साथ में आपको पास होना चाहिए। साथ ही सामान्य मान्यता प्राप्त शासकीय नर्सिंग कॉलेज के नियमित छात्र के रूप में BSc नर्सिंग, और आपकी जो BSc नर्सिंग है वो आपकी रेगुलर होने वाली है, रेगुलर इसमें कम चाहिए और 50% आपका BSc नर्सिंग में कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। और साथ में ही आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो MP नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। मेल पुरुष नर्स की जो 89 वैकेंसी हैं इसका भी सेम है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस 10+2 50%, और साथ में ही आपको BSc नर्सिंग में 50% और रजिस्ट्रेशन आपका MP नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। दोस्तों तीसरी वैकेंसी है इसमें मेल नर्स की जो 14 पोस्टें हैं उसके लिए जो आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 प्लस GNM, 3 वर्ष का आपका कोर्स होना चाहिए GNM का, और साथ में ही आपको जेल चिकित्सालय के अच्छे प्रबंध की योग्यता होनी चाहिए। इसी तरह आपकी बैकलॉग की वैकेंसी है। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में फर्स्ट में ही बोला था, इसमें GNM BSc के लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें जो कोड है, पोस्ट कोड है जो 16 पोस्ट कोड में आप देखिए टोटल वैकेंसी है 35, और इसके लिए जो इस पेमेंट है आपका 28,700 से 91,300, आपका पेमेंट भी काफ़ी है। और साथ में आपकी शैक्षणिक योग्यता में आप देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी, आपको हायर सेकेंडरी की एजुकेशन होनी चाहिए 12वीं तथा मान्यता प्राप्त संस्था से BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग उत्तीर्ण होनी चाहिए, विधि द्वारा स्थापित परिषद में पंजीयन, आपको जो INC में है वो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका INC या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में कहीं पे भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। साथ में ही आपको यह है पोस्ट कोड 17, इसमें भी आपको सेम है, आपकी 88 वैकेंसी हैं और इसमें आपको जो लेवल 7 है और इसकी जो पेमेंट है वो है इसका 28,700 से 91,300, और इसके लिए जो आपको BSc नर्सिंग या GNM होना चाहिए और किसी भी नर्सिंग बोर्ड से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो इसमें ये अदर स्टेट वाले कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। इसके सिलेबस में आपको फर्स्ट है एनाटोमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, जो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, जो 75% क्वेश्चन आएंगे वो होंगे आपके नर्सिंग से रिलेटेड और बाकी के नॉन नर्सिंग से रिलेटेड है। तो आपके जो फर्स्ट है एनाटोमी में आपके जो सेल टिश्यू स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन वेरियस बॉडी ऑर्गन, उसके अलावा आपकी सेंसरी ऑर्गन, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से और नर्सिंग फाउंडेशन से, साइकोलॉजी से, आपको इसमें टॉपिक भी दिए हुए हैं, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स मैनेजमेंट एंड नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको टॉपिक भी इंक्लूड किए हुए हैं कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पेपर बनेगा। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी वीडियो का सेकंड पार्ट हम बनाने वाले हैं। जैसे ही 14 अक्टूबर को ये वैकेंसी चालू हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाएंगे, किस तरह आपको फॉर्म भरना है, और साथ ही आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस चैनल की लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम आपको रोजाना शाम को 5 बजे से फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं।
और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।